नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आतंकी संगठन सिमी से जुड़ी खंडवा के अब्दुल रकीब कुरैसी को पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल रकीब को गंज बाजार सोला खोलो क्षेत्र से गिरफ्तार करना बताया गया है। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ कोलकाता ले गई। बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले एसटीएफ ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। उनसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से रकीब से जुड़े होने के सबूत हाथ लगे हैं। इनके आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने की भी आशंका है, जिसकी अभी जांच चल रही है। एसटीएफ पीएससी संख्या 6 जनवरी को 121, 121 ए, 122, 123, 120 बी आईपीसी पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का एक साथी अब्दुल रकीब कुरैसी पुत्र अब्दुल वकील को सोमवार शाम तथा कोतवाली क्षेत्र से पकड़ा गया। उससे एक मोबाइल फोन, एक पेन ड्राइव और अन्य आपत्तिजनक लेखों को जब्त किया गया। 1/23 धारा 121, 121 ए, 122, 123 और 120 बी आईपीसी के अंतर्गत दो आरोपियों को वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार किया था, जिसकी विवेचना में एसटीएफ ने यहां के खंडवा के अब्दुल वकील कुरैशी पिता अब्दुल वकील को इसमें सह आरोपी बनाया था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए वो यहां पे आए थे। इसमें खंडवा पुलिस उन्होंने मदद मांगी थी और इसमें हमने फिर टीम बना के उनकी मदद की और उसकी गिरफ्तारी करवाई है इसमें, और जिसको प्रॉपर ट्रांजिट रिमांड के साथ वो अग्रिम विवेचना के लिए वहां पे कोलकाता ले जा रहे हैं इसमें। और इसका जो अब्दुल वकील है, इसका पूर्व में सिमी से एसोसिएशन रहा है। तीन अपराध पूर्व के दर्ज हैं, जिसमें दो में इसमें यूएपीए एक्ट का भी समावेश था और दो में इसको सजा हो रखी है, जो सजा काट चुका है। एक में सजा से ये माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जमानत पे 2019 से रिहा है।